Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नो देसी में आपका स्वागत है। काफी टाइम बाद कुछ देसी करते हैं। माइक्रोमैक्स इन 2B की अनबॉक्सिंग दूंगा, सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। ये इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है, दो वेरिएंट से 464 8000 का है और एक 664 9000 का है। मुझे प्राइस अच्छी लगी तो मैंने सोचा हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और टेक्न्यूज में मैंने आपसे जब पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप इसकी अनबॉक्सिंग करिए। अब काफी टाइम से माइक्रोमैक्स बीच में गायब हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी 2 सीरीज का पहला फोन लाया है 2B। यहां पर दोस्तों बॉक्स की बात करेंगे तो बॉक्स में कुछ चेंजेस नहीं है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको उन्होंने बैक केस दिया है, आपको उन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया है, कुछ कागजात वगैरह है, सिम इजेक्टर पिन वगैरह है, टाइप सी केबल है, अच्छी बात है क्योंकि फोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों सीधा फोन आता है। और फोन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो आपको पीछे ऐसा मैट और टेक्सचर यहां पर उन्होंने इफेक्ट दिया है। हालांकि ये देखने में पुराने वाले जो इन सीरीज है उनके जैसा ही लगता है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, लेकिन अच्छा है डिजाइन। और साथ में जो फॉर्म फैक्टर है वो भी अच्छा है, थोड़ा स्लिम है और लाइट वेट है, मतलब 5000 mAh की बैटरी होने के बाद भी जब आप यूज करते इतना बल्की फील नहीं होता है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हुआ। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा, उन्होंने एक ऐसा स्टीकर लगाया था पीछे की तरफ जो ऐसा बुरी तरीके से चिपका था, निकालने के वक्त ऐसे निशान छोड़ देता है, तो ये माइक्रोमैक्स को छोटा सा फीडबैक है, मत करो थोड़ा चीप लगता है। एनीवेज इनकी ब्रांडिंग आपको मिल रही है और पीछे ही स्पीकर है, नीचे नहीं है, पीछे। बेसिकली जब आप ऐसे कभी होल्ड करोगे, हालांकि वो थोड़ा सा उसको एको देगा लेकिन फिर भी कभी कभी वो बंद हो जाता है, पीछे नहीं होना चाहिए, नीचे होता तो बेटर होता था। एनीवेज आपको नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, माइक होल 3.5 mm जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, डेडिकेटेड मैग्नेटिक कार्ड का स्लॉट, राइट साइड में पावर बटन, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, एकदम ऊपर कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है। और कैमरे का बम्प भी वैसे इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है लेकिन एवरेज है। और हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, ये चीज मुझे यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी लगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हाल ही में माइक्रोमैक्स इन 2B को लेके कि इसमें जो यूनिसॉक T610 चिपसेट है, एक नई चिपसेट है, वो कैसी है। 12 nm वाली है, कॉर्टेक्स A75 वाले कोर से, और यूनिसॉक वैसे इतनी मशहूर नहीं है, बदनाम रहती है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की चिपसेट्स लेके आती थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं गया एंटीटू में, बेंचमार्क किया, स्कोर्स जो निकल कर आए इंप्रेसिव थे, नॉट बैड, 1,50,000 से ज्यादा थे, यानी कि हीलियो G70-80 के आसपास आप उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया डाला, हमने टेस्ट किया तो जो ग्राफिक्स था वो HD पर सेट हो जाता है, मुझे अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जब मैंने गेम प्ले किया तो गेम प्ले एकदम स्मूथ था, हालांकि हल्के स्टटर लैग थे कहीं ना कहीं बीच बीच में आ जाते, लेकिन ओवरऑल जो गेम प्ले था वो स्मूथ था। और उसके अलावा अगर हीटिंग की बात करें तो ये हीट होता है, यानी कि मैंने थोड़ा ही खेला था, 5-6 मिनट खेला और 40-41 तक पहुंच गया था, हाँ, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया। और अगर मैं इनकेस आधा घंटा खेल लेता तो मुझे पता नहीं कितना हीट होता, तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेम खेलते हैं तो शायद वो हीट होगा। अब ये चिपसेट नहीं है, अभी इनका ऑप्टिमाइजेशन कैसा हुआ उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो जो यूनिसॉक वाली चिपसेट है काम तो बहुत अच्छा कर रही है पर थोड़ा बहुत हीट होता है, ये मैंने नोटिस किया। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.52 इंच की आपको उसमें HD+ की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, थैंकफुली यू शेप आपको ऊपर नॉच मिलता है, नीचे चिन भी एवरेज है, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन बड़ी डिस्प्ले तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं लगा मुझे। और साथ ही साथ डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, ये देखो मैं वाइट आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है ब्राइटनेस, इनफैक्ट व्यूइंग एंगल्स भी मुझे इसके अच्छे लगे, आउटडोर में भी मैंने चेक किया तो विजिबल था, तो डिस्प्ले अच्छा है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से उन्होंने अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले इस्तेमाल किया है। और वीडियोस वगैरह जब देखने में जो एक्सपीरियंस था मेरा, वैसे जनरली मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुआ था। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, इसमें है एंड्रॉयड 11 स्टॉक OS, माइक्रोमैक्स के जितने भी अभी फोन्स आ रहे हैं वो सब स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आ रहे हैं और ये एंड्रॉयड 11 है, बहुत ही अच्छी बात है। लिटरली जब मैंने नीचे से ऊपर स्वाइप किया ऐप ड्रॉअर में, कोई भी गार्बेज नहीं था, फालतू के ऐप्स थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऐप्स थे, मैंने बाद में कुछ इंस्टॉल किया ऐप्स, इमेजिन दोस्तों ये एक्सपीरियंस आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा, कोई ब्लोटवेयर्स नहीं, कोई एड्स नहीं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम क्लीन होगा। इनफैक्ट मैं सेटिंग्स में जब गया था और मैंने इसका जो सिक्योरिटी पैच चेक किया, लास्ट कब आया था वो जुलाई का था, हाँ, उम्मीद करते हैं माइक्रोमैक्स ऐसे ही सिक्योरिटी पैचेस देता रहे और बग्स वगैरह जो अगर उठ के आते हैं तो वो फिक्स्ड कर दे तो बहुत अच्छा है। साथ में दोस्तों रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो मुझे नहीं पता है, शायद LPDDR4 हो सकता है और EMMC स्टोरेज होगी, लेकिन ऑनेस्टली ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग अच्छा था, बुरा। अभी देखो मैं यहाँ पर ऑडियो टेस्टिंग के लिए, ये देखो मैंने ये ओपन किया था, यूट्यूब तो अभी भी ओपन ही है, मतलब मैंने इसको काफ़ी टाइम से बंद रखा था, फिर से अगर देखेंगे तो इट्स वर्किंग फाइन, तो हाँ ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग ठीक लगा, मतलब इतना बुरा नहीं था, तो हाँ ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी थी। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 है,
आपको डुअल बैंड वाईफाई 5 GHz बैंड सपोर्ट करता है, वाईफाई कॉलिंग वगैरह है, डुअल 4G वोल्टी है, GPS वगैरह है, बाकी के जितने भी जो चीजें हैं कनेक्टिविटी के मामले में वो सब कुछ अच्छे है। सेंसर्स की बात करेंगे तो आपको जायरोस्कोपिक नहीं मिलता है, जो कि एक बेसिक सी चीज है, वो होनी चाहिए थी, वो उसमें यहाँ पर नहीं है, बाकी तो सारे सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बैटरी दोस्तों आपको इसमें 5000 mAh की मिलती है। जी हाँ, बैटरी कैपेसिटी अच्छी है। इनफैक्ट जो चिपसेट है वो 12 nm में ठीक है, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप अच्छा है। मतलब अभी तक जितना भी मैंने इसको यूज किया, गेम खेले हमने, वीडियोस वगैरह देखे, तो ये पूरा दिन आराम से चलेगा, तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा। मिक्स्ड यूज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कंटिन्यूसली गेम खेलेंगे तो हाँ वो जल्दी ड्रेन होगा, लेकिन नॉर्मल यूज पर ये पूरा दिन निकलता है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ऑडियो टेस्टिंग हो जाए। ओके, ऐसा तो और मजा आएगा थोड़ा सा। ओहो क्या बात है, काफी लाउड है। ऐसा स्लो होता है, ऐसा लाउड हो जाता है। तो अगर नीचे स्पीकर इस तरफ देते तो बढ़िया होता था, लेकिन एनीवेज़ ये माइक्रोमैक्स उन्होंने दे दिया। 3.5 mm मैंने चेक नहीं किया, लगता है वहां पर भी ठीक ही होगा, लेकिन एनीवेज ऑडियो लाउड है, इतना मैं जरूर कहूंगा। कैमरे की बात करते हैं फाइनली। आपको पीछे जो है वो 13 MP कैमरा है प्राइमरी, आपको फुल HD वीडियो मिलता है, EIS है बेसिकली, और साथ में उन्होंने कुछ AI वाले फीचर्स वगैरह दिया, पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, और फिर आपको 2 MP का अलग से एक सेंसर दिया है, और आपको कुछ LED फ्लैश वगैरह भी मिलती है। सामने की तरफ सिर्फ 5 MP सेल्फी है, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको हमेशा बताया, मेगापिक्सल्स डजंट मैटर, मेन होता है इमेज प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसा होता है। और फुल HD वीडियो आपको यहां पर भी मिलता है, इधर भी EIS वगैरह थोड़े बहुत फीचर्स उन्होंने यहां पर भी दिया। कैमरे के सैंपल्स देखेंगे तो फोटोज अच्छे, नॉट बैड, मतलब शार्प है, कलर्स भी मुझे ठीक लगा, नेचुरल लगा कहीं कहीं जगहों पर। अब रेनी सीजन है तो थोड़ा डायनामिक रेंज में इशू रहता है, लेकिन 8-9 हज़ार के हिसाब के फोन से मुझे लगता है फोटोज ठीक है, कलर्स भी मुझे ठीक लगे। और अगर सेल्फी देखते हैं तो 5 MP है, वैसे ही मैं वहां पहले तो मैं वही हार गया था जब मैंने सुना था कि 5 MP है, लेकिन स्टिल फोटोज अच्छे हैं, बुके शॉट्स अच्छे हैं आए हैं। अगर आप शार्पनेस देखेंगे तो वो भी बढ़िया है, बस डायनामिक रेंज में मार खा गया, लेकिन अच्छे फोटो से नॉट बैड मैं ऐसे कहूंगा। वीडियो रियर ठीक है, मतलब स्टेबलाइजेशन मुझे इतनी खास नहीं लगी, थोड़ा और बेटर हो सकती है। सेल्फी वीडियो भी स्टेबलाइजेशन ठीक थी, 5 MP के हिसाब से अगर आपको वीडियो कॉल वगैरह नॉर्मल काम करना है तो वहां तक आपका काम यहाँ पर निकल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा यहाँ पर क्या कहना है, देखिए अपनी हम भावनाओं को थोड़ा साइड में रखते हैं, इंडियन कंपनी हम मानते हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए 9000 की रेंज में और मतलब 8000 और 9000 की रेंज में ये फ़ोन अच्छा है। जैसे कि स्टोरेज और रैम आपको ज़्यादा मिलता है, 4GB 64GB 6GB 64GB ये अच्छा है उस प्राइस के हिसाब से। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और उसी से मैं आपको ये फ़ोन रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी है, आप चाहो तो गेम्स भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इसमें बैटरी अच्छी लगी, अच्छा खासा पूरा दिन चल जाता है, और उसके अलावा कैमरा ठीक था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी है, कुछ चीज़ें नहीं भी है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ओवरऑल मुझे लगता है ये फ़ोन अच्छा है और मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ। तो माइक्रोमैक्स कर रहा है अच्छे काम, और उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे फोन्स लेके आ जाए तो हमें बड़ा मजा आएगा। वैसे अगर आपको और वीडियोज़ देखने, फुल रिव्यू देखना है, या कुछ और आपके दिमाग में ख्याल है तो कमेंट में जरूर से बताना, सब कुछ लेके आऊँगा। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।